यमुनानगर की जहां अंबाला सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हनौल गांव के मोड़ के पास कार और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी के तीन टुकड़े होकर बिखर गए। तेज रफ्तार कार करीब 100 मीटर आगे जाकर बेकाबू हो गई और पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में स्कूटी चालक एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। कार सवार दो लोगों को भी चोटें आई हैं जिन्हें यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ पे गई हुई थी ये? हरनौल आए थे एडमिशन कराने। अच्छा, तब ये वापस से जा रही थी? पता नहीं, ये तो मैं था नहीं साथ में ना, मैं तो फोन आया था यहाँ। क्या नाम था इनका? रेनू खुशबू। और उम्र कितनी थी? 25 थी लड़की जो। डेथ किसकी हुई है? ये रेनू की हुई है। तो कैसे पता लगा आपको? फोन गया था जी। अच्छा, ये हमें सूचना मिली है, तीन चार साहब कोर्ट में थे तो सूचना मिली है, उन्होंने बताया कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, आप जाके देखो। मौका पे आए तो दो लड़कियां थी एक्टिवा पे। अच्छा, एक की मौके पे ही मौत हो चुकी है और एक अपने घर चली गई थी, और अभी जो गाड़ी में घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जैसी भी कार्रवाई हुई अमल में ला। तो क्या गंभीर चोटें हैं जो कार में थे? हाँ, थोड़ी गंभीर चोटें हैं, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिए हैं। वो जो मरने वाले हैं कहाँ के हैं? ये रेलवे साहब के बता रहे हैं। और जो कार वाले हैं ये शायद दामला का पता लग रहा है उनका, अभी पता करके जैसी भी कार्रवाई नहीं, थोड़ा उनको बहुत ठीक है फिर भी।